हेलो फ्रेंड्स, देखिए ये हम बौद्ध धरण के लिए निकले थे, पर यहाँ रास्ते में पानी ऐसा ब्रिज पे पूरा ओवरफ्लो है और हम इसके आगे नहीं जा सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कितना फ्लो है पानी का। हेलो, लेट्स गो टू वन मोर नेचर राइड। आज हम बोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जा रहे हैं। मौसम बहुत मस्ताना, एकदम सुहाना मौसम है और आप देख रहे हो बादल कितने सारे हैं। और हम निकले हैं नागपुर से बोर लाइफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरफ, और ये हमारा जो डिस्टेंस है ये करीब करीब हमारा 46 टू 50 किलोमीटर अराउंड रहने वाला है। और रास्ते की कंडीशन आप देख रहे हो काफी अच्छी है, और अभी बारिश शुरू नहीं हुई है यहाँ पे, अभी आज मौसम ठीक ठाक है और करीब हम 1 से 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। देखते हैं रास्ता कैसा है अभी, क्योंकि बारिश तो काफी हो चुकी है शुरुआती, तो होपफुली रास्ता हमें अच्छा मिलेगा। तो देखते हैं हम कैसी है आगे रोड, और ट्रैफिक तो ज़्यादा नहीं है इस रोड पे। अगर आप नागपुर से ऊपर के इधर जाना चाहें तो ये रोड की कंडीशन है। टोल गेट आ गया है, तो ये एक टोल नाका है जिसे हमें क्रॉस करना है। हम नागपुर से जा रहे हैं, तो नागपुर से जाते टाइम ये टोल गेट लगता है और यहाँ पे हम टोल नाका क्रॉस करके आगे बढ़ेंगे। आप इधर आने के लिए वर्धा एक क्लोजेस्ट एरिया है, अगर आप वर्धा डिस्ट्रिक्ट से आते हो तो आपको ये डिस्टेंस और भी कम पड़ेगा। और ग्रीनरी देखिए सुंदर लग रही है। एक्चुअली ये एरिया काफी अच्छा, बहुत ही सुंदर एरिया है, और यहाँ से ये जो नदी दिख रही है आपको, ये बोर नदी है जो कि वर्धा डिस्ट्रिक्ट से क्रॉस होती है। इसे वर्धा नदी भी बोलते हैं, वर्धा रिवर। तो ये नदी जो है ये यहाँ पे इस एरिया में बोर नदी के नाम से जानी जाती है। तो हम जा रहे हैं, रास्तों की कंडीशन भी ठीक ठाक है, अच्छी लग रही है, और थोड़ा बहुत तो है, थोड़े गड्ढे पड़ चुके हैं रास्तों में, पर ओवरऑल जो ये पूरा एनवायरनमेंट है और इतनी अच्छी ग्रीनरी है, ये काफ़ी अच्छा आपको फील देगी। इस एरिया में आप फोटोग्राफी के लिए भी आ सकते हैं और घूमने के लिए आ सकते हैं, नेचर को एंजॉय करने के लिए आ सकते हैं। और अब हम यहाँ पे 1 मिनट रुक करके इस नदी को जरा पास से देखते हैं। तो देखिए कितना सुंदर सा ये व्यू है यहाँ पर जस्ट। तो यहाँ पे हम रुक गए, थोड़ा सा ब्रेक लिया है, और आपको मैं आप पास में जा करके नदी दिखाती हूँ। तो जैसा मैं बता रही थी, ये बहुत बड़ी नदी नहीं है, और ये जो है वर्धा डिस्ट्रिक्ट से इधर फ्लो होती हुई आती है, और ये इसके ऊपर ही आगे जा कर के डैम बना हुआ है जिसे कि बोर धरण नाम से जानते हैं, जो अमरावती के पास पड़ता है। तो थोड़ा सा गंदगी मिट्टी है और ये है पास में। तो यहाँ पे नदी का अभी तो दिख रहा है ठीक ठाक फ्लो है, काफ़ी सुंदर है यहाँ का वातावरण, हवा भी इतनी सुंदर लग रही है। ये जो बोर का जो टाइगर रिजर्व है, ये है करीब 138 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, जिसमें से आपको ये रास्ते में ये नदी क्रॉस होगी। तो अब हम पहुंच गए हैं इधर, आड़ेगांव गेट है, सफारी गेट इसका। तो यहाँ पे पहुंच गए हैं, आ गए हैं, पर अभी एक प्रॉब्लम ये हो गई है कि गांव वाले बता रहे हैं कि जो पुल है वो पुल पानी में डूब गया है, और नदी जो है वो काफी ज्यादा उसके ऊपर से बह रही है,
तो आइए चलते हैं वहां तक, तो जाकर के देखें। तो हमारा प्रोग्राम तो शायद नहीं जम पाएगा, देखते हैं नदी कैसी बह रही है। और लोग बोल रहे हैं कि ये एक पुल है जहां से क्रॉस करके आगे उधर बोर सेंचुरी की तरफ जाया जाता है, तो इसे तो शायद क्रॉस करना पॉसिबल नहीं लग रहा है। और साथ ही में इसके पास में भी एक पुल है आगे जाके, तो हमें बताया गांव वालों ने कि उस पे भी गड्ढा पड़ा हुआ है, बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है बारिश की वजह से, तो उधर भी गाड़ी ले जाना सेफ नहीं है बोला, तो इसलिए हम यहीं रुक गए हैं। और मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे कैसी कंडीशन है अभी। अभी यहाँ पे 2-3 दिन पहले ही कुछ वहाँ पे कोई बाइक वाला अपनी बाइक के साथ बह गया, तो ये सिचुएशन हो जाती है गांव वालों के साथ में जब नदियाँ इस तरह से ओवरफ्लो होती हैं, तो उनकी लाइफ पे कितना असर पड़ता है, उनका इधर से जो भी उनके रूटीन के रोज के काम काज की जरूरत पड़ती होगी तो कितना प्रॉब्लम होता होगा। चलो ठीक है, यहीं पे हम थोड़ा सा शूट कर लेते हैं। तो ये मेरे हस्बैंड और मैं, हम दोनों यहाँ उतर गए हैं और हम यहाँ पे ये नदी का फ्लो देख रहे हैं। आगे जाना तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है, सो हम यहीं पे ये नदी को थोड़ा सा शूट कर रहे हैं। देखिए और कितना तेज है यहाँ पे इसका बहाव पानी का। यहाँ हमें फिशेस भी दिखी कुछ, तो बस जस्ट अब आप भी इसे एंजॉय कीजिए, ये तो नेचर है। जब बारिश के दिन आते हैं तो थोड़ी सी केयर करनी चाहिए। हम निकलते हैं घूमने तो हम डेस्टिनेशन के अलावा रोड और नेचर को भी एंजॉय करते हैं। सो ठीक है, हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम फिर से एक ट्रिप प्लान करेंगे वहाँ के लिए और आपको लेके चलेंगे वहाँ तक, सफारी तक। तो आज हम यहाँ पे ये नदी तक आए हैं और बस यहीं पे थोड़ी सी शूटिंग कर ली जाए। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये बोर जो है ये 6th टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र का, और इंडिया का 47th टाइगर रिजर्व बोलते हैं इसे। है बहुत छोटा, छोटे से एरिया में है, और टाइगर्स भी अभी लास्ट टाइम जब बंद हुआ था तब तो बहुत ज़्यादा टाइगर्स नहीं थे, 4-5 थे शायद। अभी बंद है ये, तो जब खुलेगा तब पता चलेगा कि उस वक्त कैसी कंडीशन है और कैसा है जंगल अभी अंदर से, तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे तब ले जा करके। सो अभी हम बस यहीं से वापस चल देते हैं, तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और आप क्या सोचते हैं हमारे चैनल के बारे में और वीडियोस कैसे पसंद आ रहे हैं, तो कमेंट कीजिए। थैंक यू एंड बाय।